कि अगर आई एन 0 से लेके पाई बाई 2 तक है साइन एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स, ये ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक कॉस की पावर एन डी एक्स, दोनों बराबर ही आएगा। क्यों बराबर क्यों आएगा? यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा के, तो पता लग जाएगा ये दोनों इंटीग्रल बराबर हैं। ठीक है, कैसे बराबर हैं? ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 और पाई बाई 2 को ऐड करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। तो मतलब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल बराबर है, तो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, रिडक्शन फॉर्मूला हमारा ये निकलेगा। अच्छा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रहना चाहिए केवल, तभी ये रिड्यूस फॉर्म में आया है। अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 नहीं होगा तो फिर ऊपर जाके देखना पड़ेगा, बट ऐसे याद रखा है इसको, ये फॉर्मूला हमारा आया था जो अभी आया ना, ये ठीक है, इसको याद कर लिया, मेमोराइज, ये ठीक है। अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो n है वो रिड्यूस होके n माइनस टू के टर्म्स में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई बोले फाइंड 0 से पाई बाई 2 तक, ये ठीक है, साइन एक्स रेस टू पार 8 डी एक्स। अच्छा, ये रिड्यूस करते करते कहाँ तक ले जाएंगे? दो दो से रिड्यूस हो रहा है, तो अगर n इवन है, अच्छा ये भी एक ध्यान रखो, आई जीरो कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन एक्स रेस टू पार 0, वो तो 1 हो जाएगा डी एक्स, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। अगर मेरे से पूछा आई वन क्या होगा, तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे बस, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 आएगा, ये ठीक है। मतलब जो n है अगर वो इवन होगा तो रिड्यूस होते होते वो 0 तक पहुँचेगा, तो जब 0 तक पहुँच जाए तो आई 0 का वैल्यू हम पाई बाई 2 रख देंगे लास्ट में आके। अगर n ऑड है तो वो रिड्यूस होते होते आई 1 पे जाके रुक गए हम, उसके आगे और 2 से रिड्यूस नहीं कर दिया, आई माइनस 1 नहीं कर दिया, ये ठीक है, आई 1 का वैल्यू हम लास्ट में 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आई 8 चाहिए हमें, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 7/8 इंटू आई 6, विच इज एन की जगह 8 रख दिया तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 8 माइनस 1 7 हो गया, ये 8 माइनस 2 6 हो गया, तो हो गया 7/8 इंटू आई 6। अब आई 6 वापस इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, इसी में मैं अब मैंने एन की जगह 6 रख दिया, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 5/6 और ये 2 से कम होकर आई 4 हो गया। फिर इसी फॉर्मूले में जाके मैंने एन की जगह फिर 4 रख दिया, तो हो गया 7/8 5/6 इंटू, सॉरी 4 रख दिया तो ये 3/ कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू आई 2। फिर इसी में जाके 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 7/8 5/6 3/4 और आई 2 कितना हो जाएगा, 1/2 आई 0। बस जब आई 0 पे या आई 1 पे पहुंच के रुक गए, आई 0 की वैल्यू मैंने क्या बोला, 1 है, पाई बाई 2 है। आई 0 का मतलब क्या है, साइन एक्स रेस टू पावर 0, वो कितना हो गया, 1। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स, उसको 0 और पाई बाई 2 पे इवेल्यूएट करोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2, इसलिए आई 0 पाई बाई 2। बस इसके आगे रुक गए, इसके आगे पाई बाई 2 रुक दिए, तो आ गया 7 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, लास्ट में जब आई 0 आया उसकी जगह हमने पाई बाई 2 रख दिया, तो ये आंसर होगा। अगर मान लिया क्वेश्चन होता कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक से कॉस एक्स रेज टू पावर 7 डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, आई 7। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, आई एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1/n इंटू आई एन माइनस 2, ये था। तो याद रखने का वैसे एक तरीका क्या है, इसको ये जो n है वो यहाँ पे आ गया, साइन हो कॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर लिमिट कुछ और है तो फिर हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, या तो इस फॉर्म में आ जाए या फिर और कुछ करेंगे। हाँ, हमने बोला याद रखने का तरीका क्या है कि अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट n है तो ये भी n है, ये उससे एक कम, फिर ये उससे एक कम। क्या बोला हमने, हमने ऐसे बोला, और ऐसे याद रखना आसान है
कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आई एन है वो एन यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे गए एक कम फिर एक कम लोअर सबस्क्रिप्ट, तो साइन हो कॉस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो अगर सेवन आया तो सेवन यहाँ पे आ गया उससे एक कम, और फिर आई का उससे भी एक कम, फाइव हो गया। ठीक है, फिर 6/7 ऐसे छोड़ दिया, अब आई फाइव आ गया तो फाइव ऐसे आ गया यहाँ पे, फिर उससे एक कम ऊपर, फिर उससे भी एक कम यहाँ पे। ये ठीक है, दिस इज़ इक्वल्स टू 6/7, 4/5, फिर आई थ्री आ गया तो थ्री आ गया, तो डिनोमिनेटर में थ्री, उससे एक कम ऊपर, फिर उससे एक कम यहाँ आई का सब्सक्रिप्ट, ऐसे बोला था हमने। ये ठीक है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये एन एज इट इज, उससे एक कम यहाँ पे, फिर उससे एक कम यहाँ पे लोअर सब्सक्रिप्ट, तो वो ही आ गया यहाँ पे। अच्छा, जब आई वन आ जाए तो रुक गए, या तो आई जीरो या आई वन जो भी आएगा उस पर रुक गए। आई जीरो होता तो 5/2 रखते, आई वन होता तो 1 रख दिया, तो आंसर ये आ जाएगा 6 × 4 × 2 / 7 × 5 × 3। आई वन वन है और आई जीरो 5/2, ऐसा कैसे है? क्योंकि आई जीरो मतलब साइन एक्स रेशो जीरो हो गया, उसका इंटीग्रेशन वन आया, वन के इंटीग्रेशन से एक्स आया, उसमें जब हमने 5/2 रखा तो आंसर 5/2 आ गया। आई वन में लास्ट में साइन एक्स बचेगा, उसको इंटीग्रेट किया तो -cos x आएगा, जब उसको इवेल्यूएट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर कॉस एक्स वाला है तो फिर लास्ट में कॉस एक्स बचेगा, उसके इंटीग्रेशन से ही 1 आएगा। ठीक है, तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आई एन, आई एन में क्या है? साइन रेज टू पावर एन डी एक्स 0 से π/2 हो, या फिर 0 से π/2 कॉस रेज टू पावर एन डी एक्स, इन्हीं की बात चल रही। तो जो ये एन यहाँ पे, वो यहाँ पे एक कम, और फिर आई के सब लोअर सबस्क्रिप्ट में एक और कम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन बोला जाए 0 से π तक एक्स, ये ठीक है, साइन एक्स रेज टू पावर 5 dx, ये एवेल्यूएट करना है आई इसी फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हो गई नहीं, तो हमने क्या किया, या तो ऐसे बोलोगे a+b-x लगा दिया, या फिर हमने ऐसे बोला कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दिया। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या होता है? 0 से a तक, a मतलब आधा कर दिया, और फिर होता है f(x) + f(2a-x), ये होता है। तो fx मतलब x(sin x)^5 + f(2a-x), 2a का काम तो ये कर रहा है, तो x की जगह π-x, और एक साइन एक्स में एक्स की जगह π-x, तो sin π-x तो साइन एक्स ही होता है, ये तो वापस ऐसे ही हो गया dx। और हमने क्या बोला, ये वाला इफेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि a+b-x लगा के ऐड कर दो। ठीक है, अब जब इन दोनों को जोड़ा तो sin^5 तो कॉमन आ गया, x और π-x जोड़ के कितना आ गया? पाई, तो पाई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, लिमिट 0 से π/2 हो गया, और ये कॉमन आ गया था तो ये बन गया। ठीक है, अब जब ये बन गया तो अब हमें दिख गया कि लिमिट भी सही है 0 से π/2, साइन एक्स पे पावर 5 है, तो अब ये क्या हो गया? I5। ठीक है, तो जो बाहर पाई है उसको तो ऐसे लिखाने नहीं दिया, I5 है तो 5 4 I3, दिस इज π/5/4, फिर I3 को लिखा तो 3 2 I1, और I1 का वैल्यू हमें पता है 1 है, तो बस आंसर कितना हो गया? 8π/15, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिडक्शन फार्मूला था, और रिडक्शन फार्मूला क्या है, ये तो रिजल्ट भी है, इसको याद भी रखना है एज इट इज, मेमोराइज। ठीक है,